नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के जियो पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल सीमा से लगा हुआ एकमात्र दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से भटक कर आया एक हिरण खेतों में लगे तारों की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायल हुए हिरण की सूचना वन विभाग को दी, जिसमें मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने हिरण को कब्जे में लेकर इलाज के लिए वन्य जीव चिकित्सालय लेकर आए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल दुधवा टाइगर रिजर्व के मजगई रेंज खीरी वन प्रभाग बफर जोन के ग्राम बेला खुर्द में जंगल से भटक कर आए एक सांभर प्रजाति का हिरण घायल हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद यह हिरण किसानों द्वारा लगाए गए कटीली तारों में उलझ कर गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि किसान अपनी फसल को वन्य जीवों से बचाने के लिए अपने खेतों में कटीला तार लगाते हैं, जिससे कि उनके खेतों में खड़ी फसलों को कोई वन्य जीव न खा सके और न ही नुकसान कर सके, जिसके चलते आज दुधवा के जंगलों से भटक कर आया एक सांभर प्रजाति का हिरण खेतों में लगे तारों की वजह से उलझ कर उसके पीछे के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायल हिरण को देख कर वन विभाग को सूचना दी, जिसमें मौके पर पहुंचे सुभाष चंद्र वर्मा वन रेंजर सहित अन्य वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर हिरण को कब्जे में लिया, जिसे लेकर उन्होंने हिरण के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय लेकर आए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सुभाष चंद्र वर्मा क्षेत्र में अधिकारी मजगेरी, जिसको हम लोग लोहरा बिरान पंचायत से पाए थे और वहां जंगल किनारे से भटक करके आ गया था, जो घायल अवस्था में मिला था, जिसको सूचना मिलते ही हम लोग तत्काल उठा कर रेंज कार्यालय यहाँ से इसका जो है पशु चिकित्सा अधिकारी से परामर्श से इलाज किया जाता है और ये ठीक होते ही इसको हम लोग जंगल में छोड़ देंगे। ये हिरण प्रजाति सांभर, जिसको हम लोग जो है लोहरा बिरान वन क्षेत्र से लाए हैं पकड़ कर, और ये घायल अवस्था में मिला था। ग्रामीणों ने सूचना दिया, सूचना में हम लोग तत्काल वहाँ गए, इसको वहीं से लेकर के इलाज कराने के चले गए पलिया नाटा से इलाज कराया। इलाज से इसका 2-3 दिन से इलाज चल रहा है, बराबर निगरानी कर रहे हैं और ये ठीक होते हुए 1-2 दिन में हम इसको जंगल पहुंचा देंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।